वेलकम टू डियर स्टूडेंट, टुडे वी लर्न क्लास 10th राजस्थान बोर्ड है, उसका थर्ड लेसन है ग्रोइंग अप पेंस। ग्रोइंग अप यानी जो डेवलपिंग एज या किशोर अवस्था टीन एज के लिए आया है, तो ग्रोइंग अप पेंस यानी किशोर अवस्था की पीड़ाएं। तो दिस लेसन इज रिटन बाय आर के मूर्ति। तो बच्चों, अपन लेसन से पहले अबाउट द ऑथर या राइटर के बारे में कुछ चीजें सीख लेते हैं। तो आर के मूर्ति इज ए लीडिंग इंडियन राइटर इफेक्टिवली सर्विंग द काज ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। तो आर के मूर्ति है वो एक अग्रणी भारतीय लेखक हैं जो प्रभावशाली रूप से जो बच्चों की समस्या है उनके बारे में साहित्य लिखते हैं। ही वाज ऑथर्ड ओवर 50 बुक्स और उन्होंने अब तक लगभग 50 जो किताबें हैं वो लिख चुके हैं। ही इज ऑल्सो रिसिपियंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स और उन्होंने कई जो पुरस्कार हैं वो भी उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। अबाउट द स्टोरी या कहानी के बारे में, तो ग्रोइंग अप पेंस या किशोर अवस्था की जो पीड़ाएं हैं इज द स्टोरी ऑफ ए टीन एज बॉय समीर। तो दिस लेसन इज ए स्टोरी ऑफ ए टीन बॉयज समीर। यह एक किशोर जो समीर नामक किशोर या छोटा बच्चा है उसके बारे में ये कहानी है। द स्टोरी शो द कंफ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड द चाइल्ड एंड दिस स्टोरी शो या एंड दिस स्टोरी एक्सप्रेस द कंफ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स। माता पिता और बच्चे के बीच में जो मतभेद हैं उनको यह कहानी उजागर करती है। एंड देन चाइल्ड वेयर पेरेंट ट्राई टू बी एक्स्ट्रा वाचफुल, जहां पर माता पिता हैं वो ज्यादा वाचफुल यानी देख रेख रखने वाले होते हैं। वेयर एज ऑन द अदर साइड ए टीन एज नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस, और इसके अलावा जो किशोर है वो उसको एक्स्ट्रा स्पेस इन हिज लाइफ, उसको अपने जीवन के अंदर अतिरिक्त स्थान या जगह की जरूरत है टू लिव इन हिज ओवन वे, जिससे कि वो अपने तरीके से जी सके। यानी ही टेक्स इट्स हर हिज डिसीजन, यानी वह अपने स्वयं के जो डिसीजन या निर्णय है वो ले सके। एंड वांट्स टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, एंड ए टीनेजर वांट्स टू टेक हिज डिसीजन इंडिपेंडेंटली। एक किशोर है वो अपने निर्णय है वो स्वतंत्रता पूर्वक लेना चाहता है। तो डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं कि जो समरी ऑफ दिस लेसन है उसके अंदर क्या बताया गया है कि दिस स्टोरी इज अबाउट ए टीनेजर, यह एक किशोर के बारे में कहानी है। और इन दिस स्टोरी ए ब्यूटीफुल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीनेजर, वो माता पिता और बच्चे के बीच में जो मतभेद हैं वो इसके अंदर आते हैं। द पेरेंट्स हैव ओन फियर्स एंड द टीनेज हैज हिज फियर्स, जहां पर माता पिता हैं वो अपने स्वयं के जो डर हैं या आकांक्षाएं हैं, और वहीं जो बच्चे हैं उसके स्वयं के आकांक्षाएं हैं। तो कहने का मतलब इस स्टोरी के अंदर जो एक किशोर अवस्था है उस किशोर अवस्था के अंदर कौन कौन सी समस्याएं एक किशोर के सामने आती हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक किशोर है उसको प्राइवेसी की जरूरत होती है, किस तरह से एक किशोर है वो अपने डिसीजन स्वयं लेना चाहता है, वह एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता है, जबकि जो माता पिता हैं वो इस एज के अंदर उसके प्रति एक्स्ट्रा वाचफुल हो जाते हैं और वो दे हैव देयर कंसर्न्स, उनकी स्वयं की जो चिंताएं हैं वो भी होते हैं, और वो एक बच्चे को एक वाइल्ड कोल्ट या जो घोड़े का बच्चा है उसके तरह जीने के लिए खुला छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो उसके ऊपर कुछ अंकुश लगाए रखना चाहते हैं। ये जो कहानी है इस कहानी के अंदर आता है। तो डियर स्टूडेंट, नाउ वी लर्न ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट को लेते हैं। इससे पहले आप ये जो वीडियो है इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें, इसको अपने जो साथी हैं उनके साथ में शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनको इसका फायदा मिल सके। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उस समस्या से भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवगत कराएं, जिससे आपको और भी अच्छे वीडियो हैं वो उपलब्ध कराए जा सके। लाइफ इज हार्ड, जीवन है वो कठिन है, आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर
एंड वॉज अकेन, जब मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ था और अकेन, अकेन कील मुहासे को बोलते हैं, तो उनको देख रहा था। दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ ए डिजीज, ये एक भयानक जो बीमारी है उसके स्कम झाग या मेल हैं, प्लेइंग हैवॉक विद माय फेस, जो मेरे चेहरे को बर्बाद कर रहे हैं। आई विश आई कुड ड्राइव द पिंपल्स आउट विथ ए वेव ऑफ द हैंड, और मैं चाहता हूँ कि इन मुहासों को मेरे एक हाथ के प्रहार से इनको बाहर निकाल दूं। देन आई टेल माई सेल्फ दैट अकेन इज ए टेम्पररी रिवेज, और तब मैंने अपने आप से कहा कि ये जो पिंपल्स हैं ये तो अकेन या मुहासे हैं, ये क्या है, एक अस्थाई रिवेजेज इन बर्बादी है, द मार्क दैट मेक्स लाइफ ए लिटिल लेस कम्फर्टेबल ओ फॉर ए टीनेजर, और ये मुहासे हैं वो एक किशोर का जो जीवन है उसको असहज बना देते हैं। बट इट इज ए श्योर साइन ऑफ ए चाइल्ड माउल्टिंग इन टू एन एडल्ट, लेकिन ये जो कील मुहासे हैं या अकेन है वो एक जो बच्चा है वो किस एडल्ट यानी वयस्क के अंदर बदल रहा है, इसकी एक निश्चित निशानी होती है। लाइफ इज टफ, जीवन कठोर है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, और मैं उस दर्पण से दूर हो गया। व्हेन इट स्ट्राइक मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, जब ये चीज मेरे को एक बिजली की चौकोंद की तरह आई, माय वॉइस हैज टर्न्ड रफ ऑलमोस्ट राक्षस, और मेरी जो आवाज है वो खुरदरी हो गई और लगभग कर्कश हो गई। इट ग्रेट्स, यह रगड़ती है या कर्कश हो गई है। इफ आई मे ऐड, और यदि मैं इसमें जोड़ दूं, वेयर हैज माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, कि मेरी मीठी और जो मृदु आवाज है वो कहाँ चली गई। हैव आई कैट ए कोल्ड, क्या मेरे को कोई जुखाम हो गया। सच ग्रफनेस गोज हैंड इन हैंड विथ ए कोल्ड, और ऐसा रूखापन है वो एक जुखाम के साथ साथ चलता है। बट लेकिन द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर, लेकिन एक जो सामान्य जुखाम है और मैं इसके साथ में एक दूसरे के साथ में कुछ भी नहीं कर सकता। एट द लिस्ट एट दिस मोमेंट, एट द लिस्ट एट लिस्ट, और अंत में इस समय के अंदर इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड, यह एक असामान्य जुखाम है। ए लाइट बेंटर लिफ्ट माई स्प्रिट, और इस प्रकार से एक हल्की सी जो हंसी मजाक है वो मेरी आत्मा को हल्का कर देती है, प्रसन्न कर देती है। ए कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, और एक सामान्य जुखाम है वो सभी मनुष्य के लिए एक सामान्य जुखाम ही होता है। बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, लेकिन मेरे तो प्रत्येक समय ही जुखाम रहता है। इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा, और यह जो जुखाम है जो सामान्य जुखाम है वो मेरे माता पिता के लिए एक असामान्य जुखाम हो जाता है। दे थिंक आई हैव कम डाउन विथ ए डेंजरस कोल्ड, और वो सोचते हैं कि मेरे को एक खतरनाक जुखाम हो गया है। वन दैट कुड किल, और ऐसा जुखाम जो मेरे को मार भी सकता है। दे फोर्स मी इन टू बेड, वो मेरे को बिस्तर में लेटा देते हैं। सेंड फॉर द डॉक्टर हु पंप्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन इन टू माई सिस्टम, और वो एक चिकित्सक को बुलाते हैं और वो हर प्रकार की जो दवाइयां हैं वो मेरे माई सिस्टम यानी माई बॉडी यानी मेरे शरीर में हर प्रकार की दवा डाल देता है। वेन आई टीज देम फॉर बींग ओवर प्रोटेक्टिव, और जब मैं उनकी जो अतिरिक्त देखभाल के लिए मैं चिढ़ाता हूँ, दे ग्रंट, तो वो गुर्राते हैं, हाउ वुड यू नो, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड ओवर फियर से, आपको कैसे मालूम हो, आप इतने छोटे हो कि आप हमारे जो भय हैं उनको नहीं समझ सकते। और ओनली चाइल्ड द एप्पल ऑफ आवर आई, हमारे केवल बच्चे हमारी आंखों की तारी। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, और जैसे ही वो लोग मेरे भय को समझें। आई टू हैव माई फियर्स, लेकिन मेरे स्वयं के भी भय हैं। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, ये पहले ये जो मेरे भय हैं वो पिछले इससे पहले के जो दिन है ना तब तक मेरे पास नहीं थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, आउट ऑफ नो वेयर, क्या पता कहाँ से, इट हैज अपियर्ड, ये प्रकट हो गए। क्या प्रकट हो गए, माई फियर्स, जो पहले नहीं थे ना वो ना मालूम कि कहाँ से कब प्रकट हो गए। इट फिल्स ऑल माई वॉकिंग थॉट्स एंड हंट्स माई ड्रीम्स टू,
और ये मेरी जो सोच है उसके अंदर आते रहते हैं, और बार बार मेरे जो सपने हैं उनके अंदर आते हैं। हंस यानी बार बार आना, याद आना या तंग करना। आई ट्राई टू डिस्पल, डिस्पल यानी दूर करना, द फियर्स, और मैं इस भय को दूर करने की कोशिश करता हूं। आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, ओनली कोवार्ड फियर, कि केवल डरपोक लोग हैं उनको डर लगता है। आई एम नो कोवार्ड, मैं कोई डरपोक नहीं हूं, बट दिस ब्रेवडो, ब्रेवडो यानी बहादुरीपन, बट दिस ब्रेवडो डजेंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन यह बहादुरी है वो लंबे समय तक नहीं रहती। द मोर आई थिंक ऑफ इट, और जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ, द स्ट्रोंगर बिकम द होल्ड ऑफ दिस फियर, और उतने ही जो ये भय हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रोंगर एंड मजबूत हो जाते हैं। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, और मैं मेरी सामान्य अवस्था में नहीं हूं। आई हैव बिकम ए स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, और मैं मेरे लिए ही अजनबी बन गया हूं। टिल द वन डे, टिल द अदर डे, और दूसरे दिन, आई यूज टू फील हैप्पी वेन अप्पा अम्मा वॉक इन अनअनाउंस्ड डे सर्वेड द रूम, और अन्य दिन है, आई यूज टू फील हैप्पी, मैं प्रसन्न होता था जब अम्मा है वो मेरे मेरे कमरे के अंदर बिना किसी घोषणा के आ जाती थी, सर्वे द रूम, कमरे का सर्वेक्षण करती, जेंटली शी डेड मी, और मेरे को सामान्य सी फटकार लगाती। इन इज दिस ए रूम और ए पिगेस्टी, अरे भाई ये कोई कमरा है या फिर सुअर खाना है। एंड क्विकली गो डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और जल्दी ही वह उस कमरे को साफ करने के कार्य में लग जाती। शी वुड वर्क एट इट विथ ए टोटल डेडिकेशन, डेडिकेशन होता है पूर्ण समर्पण, और वह इस कार्य को पूर्ण समर्पण के साथ में करती। द बुक्स वुड गो बैक इन टू द बुक केस, और जो किताबें हैं वो किताबों की अलमारी में वापस चली जाती थी, और साइड की रेक्स या दराजों के अंदर द कैप्स एंड पेन्स पुल्ड अपार्ट बाई मी वुड गेट री यूनाइटेड, और जो पेन और उनके जो ढक्कन हैं जिनको कि मेरे द्वारा अलग अलग किया जाता, उनको वह वापस लगा देती थी। बिट्स एंड पीसेज ऑफ कोरियंस, चाक के छोटे छोटे टुकड़े, दैट डोट द फ्लोवर वुड गो इन टू द बिन, जो कि फर्श के ऊपर बिखरे हुए थे उनको भी वह कचरा पात्र के अंदर डाल देती। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल, और टेबल की जो धूल है उसको साफ किया जाता। एंड द रूम वुड गेन ए फ्रेश लुक, और इस प्रकार से जो कमरा है वो एक फ्रेश लुक यानी ताजा, तरोताजा दिखाई देने लग जाता। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट, और जब वो मेरे कमरे में आकर के और इतनी साफ सफाई करे तो मैं उसे कैसे घृणा कर सकता हूं। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, और तब मैंने कमरे के ऊपर एक चेतावनी लटका दी, नॉक बिफोर यू एंटर, प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाओ। बिनी द अबव इंस्ट्रक्शन इज ए वार्निंग, और इस इंस्ट्रक्शन या निर्देश के नीचे एक वार्निंग थी, माई रूम लव इट और हेट इट, मैं चाहे इसको प्रेम, चाहे इस कमरे से मैं प्रेम करूं या फिर इससे मैं घृणा करूं। तो अब अगला अपन नेक्स्ट आगे लेते हैं बच्चों। तो एक तो डियर स्टूडेंट, आप एक चीज का ध्यान रखो कि कभी भी जो लेसन है उसको 30 मिनट, 35 मिनट से ज्यादा एक साथ नहीं पढ़े, नहीं तो आपके ये सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। आप 30-35 मिनट पढ़ने के बाद में जो बचा हुआ वीडियो है वो थोड़े अंतराल के बाद में पढ़ें, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अम्मा सी द नोटिस, अन्ना अम्मा सी द नोटिस बट बिहेव एज इफ इट इज ग्रीक और लेटिन, अम्मा है वो उस नोटिस को देखती है लेकिन इस तरह से व्यवहार करती है कि वो या तो कोई ग्रीक या लेटिन भाषा है उसमें लिखा हुआ है, भावार्थ यह है कि वो उसको अनदेखा कर देती है। सी कंटिन्यू टू स्टेप इन टू माई रूम, वह लगातार मेरे कमरे में आती है, अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी, और वह मेरी जो निजता है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी, मैं उसको कैसे समझाऊं, किसको, मम्मी को, अम्मा को, मैं उस अम्मा को कैसे समझाऊं कि मेरे को निजता की जरूरत है। इफ ओनली शी सेंसेज
द गोजमर थिन कर्टेन दैट हैज कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स इफ ओनली सी सेंसेज, वह केवल इतना सा समझ जाए कि एक महीम जो कपड़ा है वो मेरे माता पिता और मेरे बीच में आ चुका है। इज दिस वार्ट ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, और एक किशोर अवस्था है वो एक अपने अपने आप में व्यक्तिपन का मामला होता है। ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, और जिसके अंदर जो बंधन है माता पिता और बच्चे के जो बंधन है वो ढीले पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। हु वॉन्ट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विथ वन पेरेंट्स, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने माता पिता से संबंध तोड़ना चाहता है। नोट आई, मैं तो नहीं हूं। द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई, और इतना सोचना ही मेरे को चिल्लाहट पैदा कर देती है। यट अब आई फील आई एम ड्राइविंग अवे फ्रॉम देम, और अब मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं उनसे दूर जा रहा हूं। किनसे दूर जा रहा हूं? पेरेंट्स या माता पिता से। और एम आई इमेजिनिंग, और मैं कल्पना करता हूं। आई थिंक अप्पा इज वॉचफुल एंड वेरी वेरी यानी ज्यादा सतर्क। वेन ही मीट्स मी, और मैं अब देखता हूं कि जब पापा है वो मेरे से मिलते हैं तो पहले से ज्यादा सतर्क होते हैं। ऑफ कोर्स निसंदेह हिज आई ग्लीम विथ जो वेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस, और उनकी आंखें हैं वो प्रसन्नता से चमक जाती हैं जब मैं उनकी उनकी उपस्थिति के अंदर चलता हूं। बट इज इट एज स्पॉन्टेनियस एज इट यूज टू बी, लेकिन ये इतना स्वाभाविक हो जाता है जैसा कि और वह। एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्मथ, अब मैं उनका जो वार्मथ यानी गर्माहट है वो महसूस नहीं कर पा रहा हूं। बिकॉज ऑफ द कर्टेन दैट हैज कम अप बिटवीन अस, लेकिन क्योंकि अब हमारे बीच के अंदर जो एक महीम कपड़ा है वो हमारे बीच में आ गया है। मे बी हो सकता है बिकॉज ऑफ द कर्टेन इस महीन पर्दे के कारण ही सी मी ए समवन डिफरेंट, वो मेरे को कुछ अलग तरीके से देखते हैं। ए रादर मिस्टी फिगर्स एक रहस्यपूर्ण अस्पष्ट आकृति इम्प्रिसाइज अस्पष्ट वेग्यू अस्पष्ट एंड इलिजिव और भ्रामक डेवलपिंग ए फॉर्म दैट इज डिफिकल्ट फॉर हिम, और इस प्रकार से एक ऐसा रूप है वो विकसित हो रहा है जो कठिन है फॉर हिम उसके लिए टू गेज, जिससे कि वो उसका आकलन कर सके। मे बी हो सकता है ही टू इज स्केर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, कि हो सकता है वो मेरे इस जो नया रूप है उसे वो भी भयभीत हों। इन इज दैट वाई एट टाइम्स, और यही कारण है कि कई बार ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी ओवरटली अफेक्शनेट, कि वो ओवरटली यानी प्रत्यक्ष रूप में या खुले रूप से, कि वो कई बार मेरे प्रति स्पष्ट रूप से जो स्नेह है उसको प्रदर्शित करते हैं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। मे बी हो सकता है ही ट्राई टू किल द फियर इन माई इन हिम बाई ट्रीटिंग मी विथ कॉशन, और हो सकता है कि वो उनके अंदर जो भय हैं उनको मारना चाहते हैं। बाय ट्रीटिंग मी विथ क्वेश्चन, कि वो मेरे साथ में क्वेश्चन यानी चेतावनी के साथ में व्यवहार करते हैं। ही फाइंड सेफली इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड, ही फाइंड सेफ्टी, और वो लोग हैं वो सुरक्षित पाते हैं इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड, जब वो मेरे साथ में एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। ही रन्स हिज फिंगर्स थ्रू माई थिक क्यूरली हेयर, और वो अपनी अंगुलियां हैं वो मेरे घने और घुंघराले बाल हैं उनमें चलाते हैं। होल्ड्स माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट, और वो मेरा जो होल्ड्स माई हेड मेरा जो सर है उसको अपनी छाती के पास में पकड़ते हैं और पैट्स में मेरे को थपथपाते हैं। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं इसके लिए उनसे घृणा करूँ। बट आई एम नॉट एबल टू एंजॉय इट एज आई यूज टू, लेकिन मैं इस चीज का पहले जितना आनंद लेता था वैसा आनंद अब नहीं ले पाता हूँ। वंस एक बार आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर द बींग हेल्ड लविंग बाई अप्पा, आई गिव द होल वर्ल्ड, मैं पूरा का पूरा जो संसार है उसको छोड़ सकता हूँ
फॉर बीइंग हेल्ड लविंग बाय अप्पा अपने पापा के प्रेम के लिए. नाउ अब आई फील, मैं महसूस करता हूँ, एज इट नोट व्हाट अप्पा शुड डू टू मी, कि अब पापा हैं वो मेरे साथ में क्या करें. इज इट नोट टाइम, यह समय नहीं है. आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, दैट ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप, क्योंकि वो लोग अब मेरे को एक किशोर की तरह व्यवहार करते हैं. स्पेशली, विशेष रूप से, वेन ही हैज बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन, कि जब मैं इस तरह का व्यवहार करता हूं. आई फॉल एंड स्लिप एंड स्क्रीम विथ ए पेन, मैं गिर गया और फिसल गया, और इस प्रकार मेरी जो मेरे स्क्रीम विथ पेन, और इस प्रकार मेरे चोट आ गई या मोच आ गई. स्क्रीम विथ पेन, स्क्रीम यानी चीखना, और मैं दर से चीखा, बिकॉज ऑफ स्प्रेन मोच के कारण. अम्मा इज ऑल काइंडनेस, और इसके ऊपर जो मम्मी है वो पूर्ण रूप से दयालु हो गई. नोट अप्पा, अप्पा नहीं हुए या पिताजी नहीं हुए, फादर नहीं हुए. ही ग्रोवल्स, ही यानी कौन, पिताजी. वो गुर्राए, यू आर 14 समीर, समीर अब आप 14 साल के हो गए हो. इट इज टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेंस, और अब ये एक ऐसा समय है जिससे कि आपको ये सीखना चाहिए कि किस तरह से जो दर्द है उसको सहन किया जाता है, विथ स्टोइक करेज, एक संयमित साहस के साथ में. यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, अब आप बच्चे नहीं हो. आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, और मैं ये जो शब्द हैं इन शब्दों को नहीं भूल पाया. नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, बिफोर अप्पा हैज रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, जब तक पिताजी हैं वो ऑफिस या कार्यालय से नहीं आए थे, आई वॉक टू अम्मा, मैं अम्मा के पास में गया या मम्मी के पास में गया. शी वेलकम्स मी विथ ए बिग स्माइल, उसने मेरा एक वृद्ध मुस्कान के साथ में स्वागत किया. बट द स्माइल टर्न्स इन टू फ्रोन, लेकिन ये जो मुस्कुराहट है वो एक फ्रोन यानी चेहरे की जो भ्रकुटी तन जाती है या कठोरता के अंदर बदल गई. वेन आई आस्क हर वेदर आई कुड गो फॉर ए पार्टी एट विशाल हाउस, कि क्या मैं विशाल के घर पर एक दावत में जा सकता हूँ. अम्मा से, अम्मा ने कहा, मस्ट बी बैक बिफोर 9, अवश्य ही 9 बजे पहले वापस आ जाना. अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ, अम्मा मैं अब बड़ा हो गया हूँ. कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, क्या मैं वहां तब तक नहीं रह सकता जब तक कि पूरे के पूरे मित्र मेरे नहीं चले जाते. आई आस्क, मैंने पूछा, यू थिंक यू आर ओल्ड एनफ टू बी ऑन योर ओन, क्या आप ऐसे सोचते हो कि आप इतने बड़े हो गए अपने आप में. समीर, रिमेम्बर, याद रखो, यू आर स्टिल ए चाइल्ड, आप अब भी एक बच्चे ही हो. इवन दो यू थिंक अदरवाइज, आप चाहे कुछ भी सोचो. यू आर एट इन बिटवीन एज, आप एक ऐसी मध्यस्थ उम्र के अंदर हो, ए टीनेजर, एक किशोर अवस्था में हो. दैट रेजेज माई हैकल्स, और इन सब चीजों से मेरे जो गर्दन के बाल हैं वो खड़े हो गए. आई स्टेम माई फिट, मैंने मेरे जो पांव हैं वो जमीन पर मारे. साउट एट हर, उसके ऊपर चिल्लाया, आई एम ओल्ड एनफ अम्मा, माता जी मैं पर्याप्त रूप से बड़ा हो गया हूँ. ओल्ड एनफ टू बी ऑन माई ओवन, मैं अपने आप में बड़ा हो गया हूँ. आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीट लाइक ए किड, और मैं अब आपको इस चीज की अनुमति नहीं देता कि एक किड या छोटे बच्चे की तरह व्यवहार किया जाए. शी गिव मी ए स्टर्न लुक, वह मेरे को एक सख्त लहजे में देखती है. एंड असर्ट फर्मली, और सख्त तरीके से या दृढ़ता से कहती है, माई डिसीजन इज फाइनल, मेरा जो निर्णय है वो अंतिम है. नो पार्टी फॉर यू, अब आपके लिए किसी प्रकार की कोई दावत नहीं है. नॉट टूडे, ना तो आज, नॉट एवर, नहीं फिर कभी. आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज ए वाइल्ड कोर्ट, और मैं आपको एक जंगली जो बछेरा है या जंगली घोड़े का बच्चा है उसकी तरह खुला नहीं छोड़ सकती. सी हैज हर वे, उसका अपना तरीका है. आई मिस द पार्टी, और इस प्रकार से जो मेरी पार्टी है वो छूट गई. बट इट डज नॉट एंडियर हिम, लेकिन इस चीज ने मेरे को प्रिय नहीं बनाया. आई सल्क, में रूठ गया. आई डू नॉट टॉक टू हर
फॉर द होल डे, और मैंने उससे पूरे दिन बात नहीं की, किसी नहीं की, मम्मी से नहीं की। शी कॉक्सेस मी, उसने मेरा लाड प्यार किया। पलकेट्स मी, मेरे को मनाया। टिल आई सकम्ड टू हर मोली कोडिंग, और जब मैं उसका जो लाड प्यार है उससे उसके आगे हार मान गया, तब तक वो मेरे को राजी करती रही। देन तब आई हग हर, मैं उसे लिपट गया। एंड कराई और चीखा। पैट कम्स हर रिमार्क्स, और थपथपाए होते हुए उसके टिप्पणियां आई। एट 14 की 14 वर्ष की जो उम्र होती है, ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस, कि एक लड़के को अवश्य इस चीज का मालूम होना चाहिए कि किस तरह से इमोशंस या भावनाएं हैं उनको नियंत्रित की जाती है। दैट इज द ट्रबल, और यही एक समस्या है। एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं एक बच्चा हूं, और हैव आई ग्रोन अप, या फिर मैं एक बड़ा हूं। अब इस समीर के सामने ये समस्या आ जाती है, वो ये नहीं समझ पाता, पिताजी तो कहता है कि समीर तू बड़ा हो गया है, मम्मी कहती है कि तू बच्चा है, तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं एक बच्चा हूं या बड़ा हो गया हूं। और हैव आई ग्रोन अप, या कि मैं बड़ा हो गया हूं। वेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली वाट आई एम, और मेरे जो माता पिता हैं उनको कब इस चीज का मालूम चलेगा कि मैं क्या हूं। आइदर आई एम ए चाइल्ड और आई एम ए ग्रोन अप, या तो मैं एक बच्चा हूं या फिर एक वयस्क हूं। आई कैन नॉट टू बोथ एट द सेम टाइम, मैं एक ही समय पर दोनों चीज नहीं हो सकता। मे बी, हो सकता है। आई एम ए मिक्स ऑफ बोथ, मैं इन दोनों चीजों का मिक्स हूं या मिश्र हूं, यानी बच्चे और बड़े का मैं एक मिश्र हूं, मिश्रण भी हो सकता हूं। I do not know, मैं नहीं जानता। That is what makes my fear so scary, और यही चीजें हैं जो मेरे जो भय हैं उनको डरावने बना देते हैं। I know my fear will die if my parents stop treating me like a child, मेरे को इतना मालूम है कि मेरे जो भय हैं वो मर सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं यदि मेरे माता पिता मेरे साथ में बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करें। बट नो, लेकिन नहीं, दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो मेरे को बच्चा मानने से नहीं रुकेंगे। दे हैव देयर फियर्स, उनके भी अपने भय हैं। दैट इज वाई अम्मा से एवरी टाइम, और यही कारण है कि अम्मा प्रत्येक समय कहती है, आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप में स्वीकार करूं। एट योर एज, कि आपकी उस उम्र के अंदर, यू नीड टू कैप्ट ऑन द लेस, आपको एक लेस कैप्ट ऑन द लेस, यानी आपको कंट्रोल में रखने की जरूरत है। इट इज फॉर योर गुड, ये आपके अच्छाई के लिए है। समीर, वी सेल टेक द लेस ऑफ, और हम इस नियंत्रण को समाप्त कर देंगे। वंस यू आर केपेबल ऑफ नोइंग वाट इज राइट एंड वाट इज रॉन्ग, कि जब आपको इस चीज का मालूम चल जाए कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। फ्रीडम नेवर कम्स इन ए डे, और फ्रीडम या स्वतंत्रता है वो एक दिन में नहीं आती है। फ्रीडम विल बी योवर्स वंस वी फील योवर आर मेच्योर्स, और फ्रीडम विल बी योवर्स, और स्वतंत्रता आपकी होती है। वी फील यू आर मेच्योर एनफ, जब आप महसूस करो कि आप परिपक्व हो टू हैंडल सिचुएशंस, जो सिचुएशंस या परिस्थितियां हैं उनको हैंडल या निपटने में। When will that be? और ये कब होगा? I ask, मैंने पूछा। अप्पा वॉक इन, अप्पा है या पिताजी अंदर आए। अम्मा वार्म्स अप हिज प्रेजेंस विद ए जेंटल लोड, और अम्मा है, उन्होंने उनकी उपस्थिति का अपनी गर्दन हिला करके स्वागत किया। देन टेल्स मी, और तब मेरे को कहा, समीर, एवरीथिंग टेक्स टाइम, प्रत्येक चीज समय लेती है। ए फ्लोअर टेक्स टाइम टू टर्न इन टू फ्रूट, एक फूल है वो फल बनने के अंदर समय लेता है। इट टेक्स ए ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू नेक्स्ट, और आपको भी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने में एक वर्ष का समय लगता है। शी ग्रिन्स, और वह खुल करके हंसती है। अप्पा कैरेज माई आर्म्स, अप्पा है वो मेरी आर्म्स यानी भुजाओं को सहलाते हैं। एंड सेज, और कहते हैं, आई नो यू हैव योर फियर्स, मेरे को मालूम है कि आपके अपने भय हैं। वी हैव ओवर्स, और हमारे स्वयं के भय हैं। वी मस्ट फाइट ओवर फियर्स टूगेदर, और हम लोग हमारे जो भय हैं उनका साथ साथ सामना करते हैं।
यू मस्ट अंडरस्टैंड ओवर कंसर्न, आपको अवश्य ही हमारी जो चिंताएं हैं उनको समझना होगा। देयर आर सो मैनी टेम्पटेशन, और यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे लालच हैं, टू विच ए यूथ इज ड्रॉन, और जिनके द्वारा एक यूथ या युवा है वो आकर्षित हो जाता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिस्ट देम, मैं इनकी सूची नहीं बनाना चाहता हूँ या देना चाहता हूँ। यू नो, आप जानते हो। देन देम नो, इनको। कम टू अस, आप हमारे साथ में आओ। टॉक टू अस ओपनली, हमारे साथ खुले रूप में बात करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, और हमें अब एक दोस्त की तरह रहना सीखना होगा। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, और हमारी प्रत्येक जो सलाह है उसको इस तरह से लेना है जिस तरह से एक सच्चे मित्र से आती है। वी यानी हम लोग इन टर्न प्रोमिस टू डू, इसके बदले में इस चीज का वादा करते हैं। ऑल वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, कि हम हमारे सभी जो दृष्टिकोण है उनकी प्रशंसा करेंगे। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या आप मेरे को अपना सच्चा मित्र है वो बनने दोगे। मी टू, मेरे को भी। अम्मा लिफ्ट माई चिन, अम्मा ने मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाया। एंड स्माइल इन टू माई आईज, और मेरी आंखों में मुस्कुराने लग गई। आई प्रेस हर पाम एंड ग्रीम हैप्पीली, मैंने उसकी जो पाम या जो हथेली है उसको दबाया और मैं खुल करके हंसने लग गया। वी आर थ्री फ्रेंड्स, अब हम तीन मित्र थे, बाउंड बाई लव, जो कि प्रेम से बंधे हुए थे। वी विल नेवर डू एनीथिंग, अब हम कुछ भी ऐसा करेंगे। दैट हर्ट्स द अदर्स, अब हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो एक दूसरे को चोट पहुंचाए। दैट्स इट, और यही है। वी आर हैप्पी नाउ, कि अब हम लोग खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री, अब हम स्वतंत्र हैं फ्रॉम फियर, भय से। अप्पा जेंटली रफल्स क्रूली हेयर्स, और अप्पा यानी पिताजी हैं वो मेरे घुंघराले बाल हैं उनको अस्त व्यस्त करते हैं या उसके अंदर हाथ फैलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस लेसन के अंदर जो मेन थीम ऑफ दिस लेसन है कि देयर इज ए ब्यूटीफुल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर सन, यानी माता पिता और जो बच्चे हैं उनके बीच में एक ऐसा वैचारिक मतभेद है, और इसके अंदर जो पेरेंट्स हैज इट्स फियर्स, जो माता पिता हैं उनके अपने वे हैं, एंड द टीनेजर हैज हिज फियर्स, और एक टीनेजर है उसके स्वयं के वे हैं। अब ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ ए टीनेजर नेम्ड समीर, यह समीर नामक एक टीनेजर है उसकी एक कहानी है। द स्टोरी प्रेजेंट्स ए ब्यूटीफुल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर सन, ऑब्वियसली पेरेंट्स हैव देयर ओन फियर, और स्पष्ट रूप से जो माता पिता हैं उनके स्वयं के वे हैं। दे डिजायर दैट देयर शुड बिकम एन आइडल सन, और वो चाहते हैं कि उनका जो पुत्र है वो एक आइडल या आदर्श पुत्र के रूप में हो। विथ सच व्यू दे ट्रीट समीर लाइक ए चाइल्ड थ्रू आउट द स्टोरी, और इस प्रकार से वो समीर से पूरी स्टोरी के अंदर एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। बट समीर हैज हिज ओन वे ऑफ थिंकिंग, लेकिन समीर है उसके स्वयं के सोचने के तरीके हैं। ही वांट्स फ्रीडम, ही वांट्स प्राइवेसी, उसको स्वतंत्रता की जरूरत है, उसको प्राइवेसी की जरूरत है। ही वांट्स टू टेक हिज डिसीजन इंडिपेंडेंटली, और वह अपने जो डिसीजन या निर्णय है उनको स्वतंत्र रूप से लेना चाहता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप देखते हो कि एट लास्ट अंत के अंदर ये तीनों हैं वो आपस में बैठ करके बात करते हैं और एक दूसरे के जो कंसर्न है उनको समझने की कोशिश करते हैं और ट्रू फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक दूसरे के विचार हैं उनको साझा करते हैं। ये आपका जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन है, विच इज ए श्योर साइन ऑफ ए चाइल्ड मोल्टिंग इन टू एन एडल्ट, एक जो बच्चा है वो वयस्क बनता है तो उसका जो श्योर साइन
निश्चित जो चिन्ह है वो क्या होता है, तो अकेन या मुहासा होता है। अगला है अपना वाट, वाट वाज द वार्निंग रिटन बाय समीर ऑन द डोर ऑफ हिज रूम। समीर ने अपने दरवाजे के ऊपर कौन सी वार्निंग लिखी थी तो बताओ, याद करो। तो उसने लिखा था नोक बिफोर यू एंटर, प्रवेश करने से पहले खटखटाओ। तीसरा देखो, हाउ ओल्ड वाज समीर, समीर है वो कितना, उसकी उम्र क्या थी, तो वो 14 इयर्स ओल्ड था। आगे अपन लेते हैं स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट हैं उनमें कुछ ट्रू हैं उनके लिए टी लिखना है और गलत के लिए फॉल्स लिखना है। ए कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, तो ये ट्रू है कि एक सामान्य जुकाम पूरी मानवता के लिए सामान्य जुकाम ही होती है। समीर डज नॉट वांट प्राइवेसी, तो ये रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि समीर वांट्स प्राइवेसी। अगला है अम्मा फॉल्स एंड स्क्रीम विथ पेन, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि समीर फॉल्स एंड स्क्रीम विथ पेन आएगा इसमें। समीर डिड नॉट टॉक टू हिज मदर फॉर ए होल डे, तो ये ट्रू आ गया। ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, ये भी ट्रू आ गया। अब आ गया लेते हैं अपन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20-25 वर्ड्स ईच। तो प्यारे स्टूडेंट, मैंने जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर हैं वो एकदम सिंपल जो लैंग्वेज है उसके अंदर लिखने की कोशिश की है, तो उसके अंदर आप समझने की कोशिश करो। ये है व्हाट वाज समीर्स ओपिनियन अबाउट चेंज इन हिज वॉइस। व्हाट वाज समीर्स ओपिनियन, समीर की क्या राय है कि उसकी आवाज है वो चेंज हो गई, तो यह आ जाएगा अबाउट द चेंज इन हिज वॉइस। समीर्स ओपिनियन वाज दैट ही माइट हैव कॉट कोल्ड, कि वह है उसके जुकाम हो गई है। हिज वॉइस टर्न्ड रफ, उसकी जो आवाज है वो खुरदरी हो गई, ऑलमोस्ट रक्सस और कर्कश हो गई है। क्वेश्चन नंबर दो देखो, हाउ डिड समीर ट्राई टू डिस्पल फियर्स। समीर है वो अपने भय हैं उनको कैसे दूर करने की कोशिश करता है, तो समीर क्या कहता है कि ओनली कोवार्ड्स फियर्ड, केवल जो कायर लोग होते हैं वही क्या होता है डरते हैं, और ही इज नॉट ए कोवार्ड। तो इसको देखो आंसर कैसे लिखना है, समीर ट्राई टू डिस्पल फियर बाय टेलिंग हिमसेल्फ दैट ओनली कोवार्ड्स हैड फियर, कि केवल डरपोक लोग ही भय रखते हैं। ही वॉज नॉट ए कोवार्ड, और वह एक भयभीत डरपोक नहीं है। बट दिस ब्रेवडो डजेंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये बहादुरी है वो ज्यादा समय तक नहीं चलती है। अगला क्वेश्चन देखो, वाट डिड समीर्स मदर से अबाउट हिज रूम। तो उसकी मम्मी है वो कमरे के बारे में क्या कहती है, तो हिज मदर से अबाउट हिज रूम दैट इट वॉज ए रूम और ए पिगेस्टी, कि यह कोई कमरा है या फिर सुअर खाना। तो इसका आंसर कैसे देना है, समीर्स मदर सेड अबाउट हिज रूम दैट इट वॉज ए रूम और ए पिगेस्टी। सी चीडेड समीर आफ्टर हैविंग सर्वे द रूम, वह कमरे का सर्वेक्षण करने के बाद में समीर के फटकार लगाती है। अगला क्वेश्चन देखो, वाई डिड समीर पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर। वह समीर अपने दरवाजे के ऊपर वार्निंग क्यों रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी माँ है वो बिना अनाउंस के बिना घोषणा के अंदर नहीं आए। तो इसका आंसर अपन को लिखना है, समीर पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्राइवेसी, क्योंकि उसको प्राइवेसी या निजता। हिज मदर यूज टू एंटर हिज रूम विदाउट इन्फॉर्मेशन, और कारण यह है कि उसकी माता है वो बिना किसी सूचना के कमरे में अंदर आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड समीर फील वेन ही डिड नॉट टॉक टू हिज मदर फॉर ए होल डे। जब समीर अपनी माँ से पूरे दिन बात नहीं करता है तो वह कैसा महसूस करता है, तो वह महसूस करता है कि उसकी माँ है वो उससे प्यार नहीं कर रही है। तो वेन समीर डिड नॉट टॉक टू हिज मदर फॉर ए होल डे ही फेल्ट दैट हर मदर वॉज नॉट प्लीज्ड बाई दिस एक्ट। वह देखता है कि उसके इस व्यवहार से उसकी माँ खुश नहीं है, ही सल्क्ड, वह रूठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना प्यारे बच्चों, वाट वॉज द ओपिनियन ऑफ समीर्स मदर अबाउट फ्रीडम। समीर की जो माँ है उसकी स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार है, तो समीर्स मदर हैड ए क्लियर कट ओपिनियन ऑफ ए मेच्योर चाइल्ड। समीर की जो माँ है वो एक मेच्योर चाइल्ड के बारे में क्लियर कट या स्पष्ट दृष्टिकोण रखती है। फ्रीडम,
फ्रीडम इज गिवन टू ए टीनेजर व्हेन शी और ही इज मैच्योर एनफ टू हैंडल सिचुएशन, कि एक टीनेजर को स्वतंत्रता तभी दी जानी चाहिए जब वह परिस्थितियों के को निपटने में सक्षम हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन टू 30-40 वर्ड्स ईच। आपको निम्न जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके 30-40 वर्ड में आंसर देना है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, व्हाई वाज समीर वरीड अबाउट द अकेन ऑन हिज फेस। समीर अपने चेहरे पर जो मुहासे हैं उनसे क्यों भयभीत हो जाता है? तो भयभीत का कारण है कि जो अकेन है वो उसका जो चेहरा है उसको विकृत कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समीर वाज वरीड अबाउट द केन ऑन हिज फेस बिकॉज इट रेवेजेज द फेस ऑफ ए टीनेजर टेम्पररली, क्योंकि अस्थायी रूप से किशोर का चेहरा है उसको खराब कर देते हैं। थस इट मेक्स लाइफ ए लिटिल लेस कम्फर्टेबल, और इस प्रकार से ये जो जीवन है उसको थोड़ा सा असहज बना देते हैं। When did Samir's parents grunt and what did they say? समीर के माता पिता हैं वो क्यों गुर्राते हैं और what did they say और वे क्या कहते हैं? तो कब जब मतलब जब समीर है वो अपने माता पिता को और प्रोटेक्टिवनेस के लिए टीज एंड चिढ़ाता है तो उस समय वो गुर्राते हैं। तो आंसर कैसे देना है? समीर्स पेरेंट्स ग्रंटेड व्हेन ही टीजेस देम फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, जब वो अतिवादी होने के लिए अति संरक्षकता के लिए उसको चिढ़ाता है तो वो घुराते हैं। दे सेड दैट ही वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड देयर फियर्स, कि वह अभी इतना छोटा है कि वो हमारे भय नहीं समझ सकता। ही वाज द एप्पल ऑफ देयर आई, वह हमारी आंखों का तारा है। देयर ओनली चाइल्ड, उनका केवल एकमात्र बच्चा। क्वेश्चन नंबर तीन देखो, हाउ डिड समीर्स मदर रिएक्ट व्हेन ही फॉल्स एंड स्लीप। समीर की माता है वो किस तरह का व्यवहार करती है जब समीर फिसल जाता है और गिर जाता है? तो व्हेन समीर फेल एंड स्लिप्ड हिज मदर वाज काइंड टू हिम, उसकी माँ उसके प्रति दयालु हो जाती है। शी ट्रीटेड हिम लाइक ए चाइल्ड एंड शोड ऑल हर लव, वह उसके साथ में एक बच्चे की तरह व्यवहार करती है और प्रेम है वो दिखाती है। शी कुड नॉट सी हिम पेन, वह उसको दर्द में नहीं देख सकती या कष्ट में नहीं देख सकती। फॉर हर ही वाज स्टिल ए चाइल्ड, क्योंकि उसके लिए वह अभी भी एक बच्चा ही है। वाई डिड समीर स्टाम्प हिज फीट, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि समीर है वो अपने पांव जमीन पर क्यों मारता है जब उसकी माँ उसको पार्टी में 9 बजे से पहले आने के लिए कहती है, तो उस समय वो जमीन के ऊपर अपने पांव मारता है। समीर स्टाम्प्ड हिज फीट बिकॉज यानी क्योंकि ही वाज आस्क्ड टू बी बैक फ्रॉम पार्टी बिफोर 9, ही वांटेड टू स्टे टिल ऑल हिज फ्रेंड्स लीव, ही रिक्वेस्टेड नॉट टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड, और वह उसे कहता है कि उसके साथ में एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं किया जाए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रीडम इन टीनेज, एक किशोर अवस्था के अंदर जो भय हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो? तो आई थिंक पॉजिटिवली अबाउट फ्रीडम इन टीनेज, मैं किशोर अवस्था के अंदर एक सकारात्मक रूप से सोच इन टीनेज ए चाइल्ड मस्ट नॉट बी अलाउड टू डू वाट एवर ही वांट्स, कि एक किशोर को जो कुछ भी चाहे वो नहीं करने देना चाहिए। ए चाइल्ड एज इज टू डेवलप वैल्यू विच मे रेगुलेट हिज लाइफ, क्योंकि एक चाइल्ड एज के अंदर ऐसी वैल्यूज या गुण विकसित करने का समय होता है जो उसके जीवन को नियंत्रित करती हैं। इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ के अंदर समीर पेरेंट्स आर राइट, समीर के माता पिता सही हैं। दैट अनलेस ही बिकम्स ओल्ड एनफ टू जज वाट इज राइट और रॉन्ग, कि जब तक वह इतना बड़ा नहीं हो जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60-70 वर्ड्स, 60-70 शब्दों में अपन को आंसर देना है क्वेश्चन का। और क्वेश्चन है, वाई समीर्स पेरेंट्स वर ओवर प्रोटेक्टिव, समीर के माता पिता उसके प्रति अतिरिक्त देखभाल क्यों करते हैं? तो इसका क्या कारण है? क्योंकि उनका एकमात्र बच्चा है, पहली चीज तो ये हो गई। और समीर्स पेरेंट्स वर ओवर प्रोटेक्टिव बिकॉज समीर वाज देयर ओनली चाइल्ड, ही वाज ए टीनेजर, वह एक किशोर है। ही वाज 14 और वह 14 का है। ही वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड द क्रूक्ड वे ऑफ द वर्ड, से वो जो इस संसार के क्रूक्ड यानी जो भ्रष्ट तरीके हैं
उनको समझने में अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है। फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस वर टेकिंग प्लेस, और शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन उसके अंदर आ रहे हैं। ही वॉज ड्राइविंग अवे फ्रॉम द पेरेंट्स, वह माता पिता से दूर जा रहा था। ही वॉन्टेड प्राइवेसी एंड फ्रीडम, उसको निजता व स्वतंत्रता की जरूरत थी। द पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट समीर एज ए वाइल्ड कोल्ड, और उसके माता पिता उसको एक जंगली बछेरे की तरह नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर दो देखो बच्चों, ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, बढ़ना है वो एक व्यक्तिपन का विषय है, डिस्कस इस पर चर्चा करना। यस, ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, किशोर अवस्था है वो अपने आप में व्यक्तिपन का विषय है। ए टीनेजर परफेक्ट प्रीफर्स प्राइवेसी, एक टीनेजर है वो निजता को प्राथमिकता देता है। ए टीनेजर लॉन्ग्स टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, एक किशोर है वो स्वतंत्र निर्णय लेना चाहता है। सी और ही वांट्स टू एंजॉय फ्रीडम, और वह स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहता है। सी और ही डिस्कर्स डिसलाइक पेरेंट्स इंटरफेरेंस, और वह माता पिता की जो इंटरफेरेंस है उसको नापसंद करता है। ही ए गोजमर स्टार्ट्स कमिंग अप बिटवीन द टीनेजर एंड द पेरेंट्स, ए टीनेजर लाइक्स टू बी ट्रीटेड एज ए ग्रोन अप, सी और ही विशेष टू हैव ए सेपरेट रूम इन द हाउस, उसको एक मकान के अंदर निजी कमरे की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट मेड समीर सेल्फ डिस्कस, समीर को क्या चीज है वो नाराज कर देती है। तो द फॉलोइंग मेड समीर सेल्फ, अकेन प्लेड हैवॉक विथ समीर स्पेस, अकेन या कील मुहासे हैं वो उसके चेहरे को बिगाड़ दे देते हैं। समीर्स वही है टर्न्ड रफ, समीर की आवाज है वो खुरदरी हो गई, ऑलमोस्ट राक्षस कर्कश हो गई। और प्रोटेक्टिव लुक आफ्टर ऑफ समीर्स पेरेंट्स मेड हिम सल्क, और उसके माता पिता का अतिरिक्त जो संरक्षण है या सुरक्षा देखभाल है वो उसको नाराज कर देती है। ही वॉज नो लॉन्गर हिज यूजुअल शेप, वह एक सामान्यता में नहीं है। ही हैड बिकम ए स्ट्रेंजर टू हिमसेल्फ, वह अपने आप में एक अजनबी बन गया है। अम्मा हीडलेस टू समीर्स प्राइवेसी, अम्मा है वो उसकी निजता का ध्यान नहीं देती है। एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता का मैडम सल्क, और ये सब चीजें उसको नाराज कर देती हैं। डिप्रिवेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट डिसीजन, जो स्वतंत्र निर्णय है उनसे अपने आप को वंचित रख पाना, मेकिंग मैड समीर सल्क, ये सब चीजें हैं वो समीर को नाराज करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक अच्छे प्रयास के साथ में मैंने यह जो आपका लेसन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उसके आंसर आपको किस तरह देने हैं वो चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है, थीम ऑफ द लेसन है वो क्या है उसको समझाने की कोशिश की है। और आप इसको बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार जब पढ़ोगे तो आपको ये लेसन ज़रूर समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार के जो कॉमेंट्स हों तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर दें। इस लेसन को, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में साझा करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी इसे एंजॉय, वो फ़ायदा उठा सकें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि अपना जो चैनल है वो भी खूब ग्रोथ करे। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।